प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने नागरिकता संशोधन बिल के राज्यसभा में पास होने पर खुशी जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लाखों शरणार्थी भाई बहन, जिनकी जिंदगी में उन्हें केवल यातना झेलनी पड़ी है, अब इस बिल के पास हो जाने से उन्हें नया जीवन मिलेगा और उन्हें यातनाओं से मुक्ति प्राप्त होगी। कांग्रेस द्वारा इस बिल का विरोध किए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बिल के संबंध में एक ही भाषा बोल रहे हैं। राज्यसभा में भी पास हो गए। सचमुच में हमारे लाखों वो शरणार्थी भाई और बहन, जिनकी जिंदगी में केवल उन्हें यातना मिली थी, चाहे वो पाकिस्तान से आए हुए हों, चाहे बांग्लादेश से आए हुए हों, उनको नया जीवन मिला है, यातनाओं से मुक्ति मिली है। ये ऐतिहासिक बिल पारित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। वे शरणार्थियों के लिए भगवान का वरदान सिद्ध हुए हैं। अमित जी का आभार प्रकट करता हूँ और सभी उन सांसद मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ऐतिहासिक बिल का समर्थन किया है। कांग्रेस और इमरान खान एक ही भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान ने भी विरोध किया और कांग्रेस ने भी विरोध किया। आखिर ये विरोध किस बात का? कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में कितने प्रताड़ित हुए हैं अल्पसंख्यक, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो। इंदौर में जब मैं मुख्यमंत्री था तो वहां से आई कुछ बेटियां बहनें मिली थी और उन्होंने ये कहा था कि मर जाए हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमारा अपमान होता है, जबरदस्ती धर्मांतरण, निकाह करने के लिए उठा लिया जाता है। अब ऐसे भाई और बहनों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अगर बिल पारित हुआ है, बिल लेके आया गया और पारित हुआ है, कांग्रेस को आपत्ति क्या है मुझे समझ में नहीं आता। ये बिल किसी भारतवासी के खिलाफ नहीं है,